श्री डोंगरे जी महाराज तत्वात रामायण में लिखते हैं कि श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ का आरक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्धाश्रम में विराजित रहते। उस समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई। श्री जानकी जी का स्वयंवर होना था, विश्वामित्र जी के नाम से यह पत्रिका आई। विश्वामित्र जी आनंद हुआ, उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से पूछा कि आप जनकपुर पधारेंगे? राम जी का गुरु जी, आप जहाँ जाओगे वहीं हम आपके पीछे हम चलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथ था, हर से चले मुनिवर के साथ था। श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र जनकपुर जाने के लिए निकले। अनेक ऋषि साथ थे। मार्ग में अहिल्या का आश्रम आया। गौतम ऋषि के हिसाब से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई। अहिल्या जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, इस पत्थर को चरण स्पर्श करो। श्री राम जी ने कहा, मुझे चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, ये ऋषि पत्नी अहिल्या है, तुम्हारे चरण स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी का, गुरु जी इनका उद्धार होगा परंतु मुझे पाप लगेगा, मेरा नियम है मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। गुरु बिना पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। बहुत भीड़ में कदर स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु जानकर स्पर्श करे तो उनको क्षमा नहीं होती, सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी को पाप का भय है। आजकल के लोगों को पाप का जरा भी भय लगता नहीं है। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, आपका पाप का डर रखना, परंतु आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है, इसके हाथ से पुण्य बहुत कम होता है। साधारण से पाप के दो कारण हैं, एक तो पैसे के लिए पाप होता है, दूसरा क्षुद्र जीव काम सुख भोगने के लिए पाप होता है। अपने शास्त्रों में साधन को धन को साधन माना असाध्य नहीं। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मनुष्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं, पीछे भौतिक सुख भोगते हैं ये दिखते हैं, परंतु इसको अंदर की शांति होती नहीं। जिस कर्म में मन अशांत और उद्विग्न हो उसका नाम पाप है। पाप करने वाले को जीवन में शांति मिलती नहीं। जो पाप से भय रखता है नहीं उसका मन अशांत रहता है। पाप करने वाले का देश सदा जलता है, रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलते दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से धर्म से थोड़ा पैसा कमाकर भी दान करे तो ठाकुर जी को केवल वंदन करे तो ईश्वर जी को रुचिकर लगता है, परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान कर देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान को स्वीकार नहीं। मानव भी सब समझता है कि थोड़े में थोड़ा पाप करूँ इसे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आँख का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा और आराम करूँगा, परंतु पाप का पैसा किसी को सुख देता नहीं है, शांति देता नहीं है। मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं है। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को शांति देता ही नहीं, अपितु घर के लड़कों की भी शुद्धि बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप न करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिता तुमको जितनी है उसकी अपेक्षा है परमात्मा को ज़्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। माँ के स्तन में कौन दूध कौन उत्पन्न करता है? ये शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा है, फिर भी उसमें से दूध किस प्रकार से निकलता है? ये सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मन से काम सुख के लिए पाप करता है, भोग भोगता है, बहुत मन से स्वयं भी भोग जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है, फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। पर्दन और परिस्थिति में मन प्रकृति सदृश पाप कोई नहीं है, ये दुर्जन है, राक्षस है। दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि दुर्जन में दया होती नहीं, बिना कारण सबके साथ झगड़ता है। पर्दन और परिस्थिति पर उसकी नज़र रहती है, सज्जनों को साधु संतों के त्रास देता है, ये सब राक्षस के लक्षण है। मनुष्य पाप भय रखता नहीं इससे दुखी है। मनुष्य जीव में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन भर तो करता है परंतु अंतकाल में वह बहुत पछताता और बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुखमय बनाए परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की छाती पर इसके समान समस्त पाप से बोझ हैं और इससे उसको अपार घबराहट होती है। अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है। मृत्यु प्रभु के दरबार आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने को दिन है। हिसाब में घोटाला हो तो ही वो जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है और जिसको डर क्या है? रोज मंदिर में न जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स देनदारी के समय मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि आज ऑफिस को अंधा करके मेरा गलत हिसाब किताब
पास करा देना। ये प्रभु मेरा खास मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपये का थाल कर धरूंगा। लक्ष्मीपति, क्या हमारे 10 रुपये की घूस लेकर हमारा लाखों रुपये का पाप छुपाने की मदद करे? मनुष्य अपने पाप में भी ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्य को कदाचित धोखा दिया है जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा दिया जा नहीं सकता। वे तो उनकी और मन की दोनों की जानने वाले, इसलिए पाप को प्रकट करो, पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो। जीवन के खाते में पाप न हो तो उसे देखते रहो। तुम मालिक की चीज़ समझदारी से प्रयोग करोगे तो ऐसे समय में प्रभु को इंसाफ देने के लिए जाते समय कुछ घबराहट भी नहीं होगी। मनुष्य मालिक नहीं है, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उनके मुनीम हो। मुनीम को मालिक का पैसा असंभव हो वहाँ तक विवेक से ही खर्च करना पड़ता है और पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक के भोगों और पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नहीं होंगे। किए हुए पापों के कारण अंतकाल में जीव को पछतावा होता है, उस समय उसको ज्ञान तो उत्पन्न होता है परंतु वह ज्ञान काम में आता नहीं। उस समय श्री तब बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता, इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा, वहाँ जाने के बाद वापस आना नहीं है। उस मुसाफरी का तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है परंतु जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, उस अनंत की यात्रा को कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता। एक न एक दिन मरना तो सभी अवश्य है, ऐसा सब किसी को ज्ञान है, फिर भी पाप करता है, कारण मनुष्य को मृत्यु का भूल जाता है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो, तुम अधिक पुण्य न करो तो बाधा नहीं, परंतु पाप तो नहीं भी न करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में श्री सीता जी ने कहा कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करती नहीं। सुंदरकांड में कथा आती है, सीता जी लंका में विलाप करती थी कि उसे हनुमान जी सहज नहीं कर सके। उन्होंने माता जी से कहा कि माँ, तुम मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी में तुमको राम श्री राम जी के पास ले जाऊँगा। माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रीय है, ब्रह्मचारी है, पवित्र, तू पवित्र है, परंतु आज भी किसी भी पुरुष का मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श किया नहीं है। इस प्रकार तेरे साथ चलूँ तो मुझे तुझे पाप लगेगा। अरे, सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं, सीता जी को क्या पाप लगता। परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का उपदेश बताया, पाप का भय रखा, परमात्मा का भय रखो। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र ऋषि से कहा, मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, प्रणाम करने से इसका उद्धार नहीं होगा, चरण से स्पर्श करो तो ही उद्धार होगा। शास्त्र में ऐसा लिखा है, लकड़ी की पुतली जिसको सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसका परिस्थिति से स्पर्श हो तो बात दूर रही। लकड़ी की पुतली भी स्पर्श करना उचित नहीं है, स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। किसी ने ऐसा समझते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, स्पर्श करने में क्या बाधा है। अरे, तुम्हारा मन चंगा नहीं है, ये बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को खबर नहीं है। इस जगत में इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन में करता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वालों के साथ मन दगा करता है और गड्ढे में फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि रामचंद्र जी अहिल्या को चरण स्पर्श नहीं किया। राम जी वहाँ खड़े रहे, उस समय पवन आए, पवन के कारण श्री राम जी के चरणों की उड़कर पत्थर के ऊपर पड़ी अहिल्या का चरण श्री रामचरण स्पर्श हो गया। श्री रामचरण का रज का स्पर्श प्राप्त हुआ, श्री राम जी की चरण से ऐसी शक्ति है कि अहिल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवत चरण रज मन को पवित्र करती है। अहिल्या के राम जी को सुंदर सृष्टि की, आपकी चरण रज से आज पवित्र हो गई हूँ, आपकी चरण रज अति पावनकारी है। गंगा जी, विष्णु और ब्रह्मा यदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है, आपकी पवित्र चरण रज को श्रुतियाँ खोज रही है। आपकी नाभिका में से ब्रह्मा जी प्रकट हुई, आपके नामामृत का भगवान शंकर अति रसिकता से अहिपान करते रहते थे। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी, आज मेरे यहाँ के साक्षात आप परमात्मा के दर्शन कर रही है। मैंने अपने अहोभाग्य का मैं वर्णन करूँ? अहिल्या ने स्तुति करते हुए कहा कि मुनि ने श्राप देकर मेरे ऊपर अपकार किया, मेरा कल्याण किया कि जिससे आज आपके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरा उद्धार हो गया। बुद्धि काम सुख का चिंतन करती है तो जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा स्मरण करने में हृदय क्यों नहीं पिघलता? परमात्मा स्मरण करते समय आंखों में आंसू क्यों नहीं आती? उसका एक भी कारण है कि मन काम सुख का चिंतन करता है, इससे यह पत्थर जैसा बन जाता है और भगत भाव में पिघलता नहीं है। बुद्धि निष्काम बने तो पिघले, बुद्धि निष्काम कैसे बने? बुद्धि जब काम सुख का भोग करती है, काम का चिंतन करती है, उस समय निष्काम कैसे बनती है? तो तभी वह भगत में भाव में पिघलती है। संत चरण रज, भगवत चरण रज स्पर्श हो तो धीरे धीरे मन बुद्धि सुधरती है। श्री डोंगरे जी महाराज की जो तत्वार्थ रामायण की आगे मैं आपको सुनाऊँ, तब तक के लिए जय सियाराम।